हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख 21 नवंबर 2023। ये सभी प्रश्न कुमार गौरव सर के क्लास के प्रश्न हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे, वो आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ ये सभी प्रश्न करवाएंगे। उससे पहले हम आप सभी को ये प्रश्न करवा दे रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और कुमार गौरव सर के लिए आप सभी प्रार्थना करें कि जल्दी से ठीक होकर वो हमारे बीच आ जाएं अपने करंट अफेयर के क्लास को लेकर। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक बार लाल किले से झंडा फहराया। ये आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडा फहराया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, ये सबसे अधिक बार जो है झंडा फहराए हैं लाल किले पर। कितनी बार? तो 17 बार फहराए हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो सेकेंड नंबर पर है इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ये सेकेंड नंबर पर हैं। और ये कितनी बार फहराई हैं? तो ये 16 बार फहराई हैं। और बाकी 10-10 बार कौन फहराए हैं? तो 10-10 बार फहराए हैं मोदी जी, और इसके बाद मोदी जी और मनमोहन सिंह। ठीक है, ये दोनों जो है 10-10 बार जो है लाल किले से झंडा फहरा चुके हैं। तो ये दोनों जो है तीसरे नंबर पर हो जाएंगे। पहले नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि 17 बार फहराए हैं, और सेकेंड नंबर पर इंदिरा गांधी जी हैं जो कि 16 बार फहराई हैं। तो आपका ये सवाल हो गया कंप्लीट। अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं, करंट अफेयर के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। तो यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संगीत का शहर किसे घोषित किया गया है? ग्वालियर, जो कि किस राज्य में है? तो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है। भारत का कौन सा शहर है जो कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। तो आपका दो प्रश्न करंट अफेयर का कंप्लीट हो जाता है। संगीत का शहर किसे घोषित किया गया है? ग्वालियर को। और क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क किसे घोषित किया गया है? वो भी ग्वालियर को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न सेकंड है, दुनिया का पहला रोबोट सीईओ का क्या नाम है? दुनिया का जो पहला रोबोट सीईओ बनाया गया है उसका क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीका। देखो सीईओ कौन बना है? मीका। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न तीन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से हाई स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतल महाजन। अब याद कैसे करेंगे? तो माउंट एवरेस्ट आया है, तो माउंट एवरेस्ट पर शीतलता रहती है, और वहां से जो है स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी गई है? तो उनका नाम भी शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट पर शीतल होता है, वहां से कौन जो है स्काई डाइव करी है? शीतल। तो शीतल वहां भी, शीतल यहां भी। तो आप ऐसे मैच करा के अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शीतल महाजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम मतलब, हॉल ऑफ फेम मतलब जो प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हैं उनको जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है आईसीसी के द्वारा। तो पहली भारतीय महिला को इसमें शामिल किया गया है, उनका क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डायना एडोल्जी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब की बार 3 लोगों को शामिल किया गया है, डायना एडलजी को जो कि ये भारतीय क्रिकेटर हैं, और ये क्या है? तो ये गेंदबाज हैं। ठीक है, ये एक बॉलर है, इसको भी आप याद रखेंगे। सेकंड कौन बने हैं? तो वो पुरुष बने हैं जिनका क्या नाम है? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को भी शामिल किया गया है, और श्रीलंका के एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है। तो ये 3 प्लेयर शामिल किए गए हैं। डायना एडलजी जो है कब से कब तक मैच खेली थी? तो ये खेली थी 1976 से लेकर 1993 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल इतना रहा है, और इसके बीच में इन्होंने 54 मैच खेला है। ठीक है, कितना मैच? तो 54 मैच खेले हैं, जिनमें जो है ये 100 से अधिक विकेट ले चुकी हैं। ठीक है, तो ये 100 से अधिक विकेट ले चुकी हैं, तो इसलिए इन्हें जो है हॉल ऑफ फेम में आईसीसी ने शामिल किया है।
डायना अटलजी, वीरेंद्र सहवाग और एक प्लेयर श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रश्न 5 है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने भारतीय स्टेशनों पर लागू होगी? आपको बताना कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने भारतीय स्टेशनों पर लागू होगी? आपके ऑप्शन है 1000, 1041, 1037, 1050। तो आपको बताना है कि कितने भारतीय स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल चालू होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1037 स्टेशनों पर यह लागू होंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न 6 है, आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया है? किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है श्रीलंका। तो आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है और 48 सालों में जो है वर्ल्ड कप में शामिल न होने वाली टीम कौन सी है? तो वो है वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये 48 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि वेस्ट इंडीज, जो कि 1975 में पहला वर्ल्ड कप जो जब हुआ था तो यह जीती कौन थी? तो यह वेस्ट इंडीज ही जीती थी। लेकिन अब की इसकी किस्मत इतनी खराब है कि यह जो है वर्ल्ड कप के लिए यह क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। तो आपको वेस्ट इंडीज भी याद रखना है। और इसके बाद क्रिकेट आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो वह श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 7 है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में दिवाली कहाँ मनाई? आपको बताना है कि 2023 में नरेंद्र मोदी ने दिवाली कहाँ मनाई? सियाचिन, लेपचा, कारगिल या जैसलमेर? सियाचिन, लेपचा, कारगिल या जैसलमेर? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लेपचा। लेपचा में जो है 2023 में नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान हमारे देश के पीएम हैं, इन्होंने दिवाली मनाई है लेपचा में। और लेपचा स्थान कहाँ पे है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है लेपचा? तो हिमाचल प्रदेश में है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 8 है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करेंगे, किस राज्य ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना यह किससे संबंधित है? तो यह ऊर्जा ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह संबंधित है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा ऊर्जा की पूर्ति की जाती है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में ऊर्जा से संबंधित है, जो कि महाराष्ट्र को यह दर्जा प्राप्त है। महाराष्ट्र जो है देश में पहले स्थान पर ऊर्जा पहुंचाने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको राज्य बताना है कि 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 42वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। आज का आखिरी प्रश्न है, IBM ने भारत में नई इनोवेशन लैब की शुरुआत के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपका प्रश्न है, IBM ने भारत में नई इनोवेशन लैब की शुरुआत के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ जो है IBM ने नई इनोवेशन लैब की शुरुआत के लिए साझेदारी की है। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जिसमें हम आपको आंसर भी बताएंगे और आपके साथ जो है डिस्कस भी करेंगे। प्रश्न है, ये संविधान से संबंधित कुछ 5 प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, जिसमें आपको जो है अनुच्छेद मतलब सब बताया जाएगा कि संविधान में संशोधन कब हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रश्न आपके लिए डेली हम आपको कराएंगे। तो पहला प्रश्न है संविधान का कि वोटिंग एज मतलब चुनाव डालने के लिए, वोट करने के लिए आपकी उम्र पहले कितनी निर्धारित की गई थी? तो पहले निर्धारित की गई थी 21 वर्ष, उसके बाद 18 वर्ष कर दी गई। तो 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया है? आपको बताना है कि वोटिंग एज 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 वर्ष वोट डालने की उम्र कर दी गई थी? तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 वर्ष उम्र कर दी गई थी। और यह कब हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में जो है यह उम्र कम कर दी गई थी। कितना कम? तो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली मतलब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित की गई थी? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित की गई थी? तो यह किया गया था कौन से संविधान संशोधन में? तो यह संविधान संशोधन था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दी गई थी। यह कब हुआ था? तो 69वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1991 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है आपका, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था और यह किस विषय से संबंधित है? तो आपको ये बताना है। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपको बता दें कि यह हुआ था 1951 ईस्वी में। और यह जो है 1991वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। ठीक, ये आपका हो गया तीसरा प्रश्न। संविधान संशोधन से तीसरा नहीं, आप देखेंगे तो आपको हर एक पॉइंट पर एक से दो प्रश्न मिल रहा है, लेकिन आपको मोटी मोटा तीन प्रश्न आपको संविधान से संबंधित मिल गया है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, जीएसटी जो है, जीएसटी का उल्लेख किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो आपको बताना है जीएसटी का उल्लेख किस संविधान संशोधन में किया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन में जीएसटी का उल्लेख किया गया है। अगर पूछा जाए कि जीएसटी लागू कब हुआ था, तो आपको बताना है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। एक्ट जो है जीएसटी का, एक्ट अगर पूछे एक्ट कब का है, तो इसका एक्ट था 2016। ठीक, लेकिन पास कब हुआ था? तो पास हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? तो आपको पता है, तो यह लागू हुआ था पहली बार किस राज्य में? तो यह असम में लागू हुआ था। भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो असम है। आपको तीन से चार प्रश्न मिल गया। जीएसटी का अनुच्छेद है 101, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का एक्ट कब आया था? तो 2016 में। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है असम। अगर देश पूछे तो देश आई थिंक फ्रांस है। इसको भी आप याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है आपका संविधान से संबंधित, EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेशन, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उन्हें जो है सरकार के द्वारा 10% का आरक्षण दिया जाता है, तो जिसे क्या कहते हैं? EWS। EWS का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 103वें संविधान संशोधन में। 103 संविधान संशोधन में जो है EWS का उल्लेख किया गया है। तो आपको जो है चार से पांच प्रश्न जो है संविधान से मिल गए। डेली आपको दिया जाएगा हर एक किसी भी सब्जेक्ट से। जैसे आज संविधान का है, तो कल हिस्ट्री का हो सकता है, फिर इसके बाद जो है ज्योग्राफी से हो सकता है। ऐसे करके आपको डेली पांच प्रश्न दिया जाएगा, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप सभी को प्रश्न अच्छा लगे और मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।